जो कि जयपुर से आ रही है। आपको बता दें जयपुर एसीबी का बड़ा एक्शन, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को एसीबी ने ट्रैप किया है। 18.5 लाख की घूस लेते ट्रैप किया गया है। साथ ही 3 अन्य लोगों को भी एसीबी ने धर दबोचा है। दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य आरोपी ट्रैप किए गए। आरएएस भर्ती को लेकर घूस मांगी गई थी। आपको बता दें डीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। एएसपी बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र सेन, डीएसपी राजेश जांगिड़, सचिन शर्मा की टीम ने यह कार्रवाई की है। जयपुर एसीबी का बड़ा एक्शन हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 18.5 लाख की घूस लेते हुए घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को एसीबी ने ट्रैप किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राकेश धादीच। राकेश, घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को ट्रैप किया गया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, परिवादी ने स्पीकर एसीबी को मामले की शिकायत करी थी। परीक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और एसीबी जयपुर की टीम भी संयुक्त रही। आज ये कार्रवाई चल रही थी और जो प्रताप नगर में आवास था वहां से इनको 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने पकड़ा है। क्योंकि ये अब 3 दलाल भी पकड़े गए हैं, जिसमें ब्रह्म कुमार, अशोक कुमार और रविंद्र, ये तीनों भी पकड़े गए हैं। इन चारों को एसीबी मुख्यालय ले जाकर पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अभी जो एसीबी के आला अधिकारी है इनसे पूछताछ कर रहे हैं, पूरे मामले का खुलासा प्रेस नोट जारी करके एसीबी जल्द करेगी। जी, तो ये आरएएस भर्ती को लेकर ही है या और किसी में भी इनको ये कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, ये जो भर्ती मामला था उसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है। क्योंकि 7.5 लाख की घूस रविंद्र ने गोपाल केसावत को दी थी और इसको रंगे हाथ एसीबी की टीम ने दबोचा है। एसीबी स्पीकर की जो टीम उसको ये सूची, उसके बाद जयपुर की जो टीम थी वो सही। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें जयपुर एसीबी का बड़ा एक्शन, घुमंतू बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को दबोचा गया है। 18.5 लाख की घूस लेते उन्हें ट्रैप किया गया है। गोपाल केसावत को इस पूरी कार्रवाई में 3 साथियों के साथ ट्रैप किया गया है।